इस फिल्म की कहानी लंदन मेट्रोपोलिस के सर्जेंट निखिल शर्मा की है, जिसका एक सॉस ड्रग ऑपरेशन में मारा जाता है और निखिल को अपनी एक टांग गंवानी पड़ती है, जिसके बाद निखिल पर लापरवाही का मुकदमा चलता है। हालांकि इस केस से फ्री होकर निखिल को डेस्क जॉब दे दी जाती है, लेकिन एक तरफ हाल ही में उसे पैर गंवाना पड़ा और उसकी पोजीशन उसके दोस्त हैदर को दे दी गई, ऊपर से उसे डेस्क जॉब दे दी गई, तो निखिल मानसिक तौर पर डिप्रेशन में चला जाता है और उसका स्वभाव सबके लिए चिड़चिड़ा हो जाता है और इसी वजह से वो बात बात पर किसी से भी लड़ने झगड़ने लगता है। लेकिन वही निखिल केस के सच की तलाश में पूरी फिल्म में बस भागता ही रहता है और इस केस की परतें इस पूरी फिल्म में खुलते हुए दिखती है। देखो, ये एक मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें मिस्ट्री तो ठीक ठाक है पर ड्रामा थोड़ा ज्यादा है। असल में फिल्म शुरू से ही काफी स्लो चलती है तो काफी ऑडियंस शुरू के आधे घंटे में ही साथ छोड़ देती है। ऊपर से सिर्फ हिंदी समझने वाले व्यूअर्स जब हिंदी फिल्म देख रहे हो और उन्हें काफी कुछ ऐसा सुनने को मिले जो उनकी समझ में ना आए तो वो फिल्म से कनेक्शन कायम नहीं रख पाते। इसके बाद फिल्म में सिर्फ एक सीन है जिससे व्यूअर्स इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं, अदरवाइज फिल्म एक ड्रामा ही लगती है। बाकी स्क्रीन प्ले भी थोड़ा टैंगल्ड है पर पास्ट प्रेजेंट का कंसेप्ट समझने वालों के लिए इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन डायरेक्शन और एक्टिंग के मद्देनजर ये फिल्म एक खूबसूरत फिल्म है जिसमें एक अपंग इंसान के दर्द और घुटन को अच्छी तरह से दिखाया गया है। यहाँ बस उन सीन की सीक्वेंसिंग या कहें तो स्क्रीन प्ले में कमी रह गई, जिसकी वजह से बेहतरीन एक्टिंग होने के बावजूद आप फिल्म या फिल्म के किसी भी कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते। वैसे आपको बता दूं कि फिल्म में कुछ डिस्टर्बिंग विजुअल और ब्लड बैड सीन है तो बच्चों के मतलब की फिल्म नहीं है और इसे देखने का सिर्फ एक रीजन है, रणदीप हुड्डा।